हेलो माय डियर लर्नर वेलकम यू ऑल टू दी सेशन राइट सो माय सेफ एकांशु सिंह सो आई एम बैक विद सेशन विद यू ऑल एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आई बिलीव राइट क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही थॉट प्रोसेस है दैट मैम कैन वी क्राक दी सी एस आई या नेट एग्जाम इन जस्ट वन मंथ राइट सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आज वेरी फ्रीकुंटली बाई मोस्ट ऑफ दूडेंट्स एंड कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लास्ट मंथ में जिन्होंने अभी किया है एंड दे आर लाइक की मैम अभी तो हमने फॉर्म फिल किया दिसंबर वी आर एक्सपेक्टिंग दी एग्जाम वी आर हैविंग द एग्जाम एक्चुअली ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन्थ एंड ट्वेंटी एट सो कैन बी जस्ट क्रैक द एग्जाम इन वन मंथ सो आज इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों से एंड यू थिंक यू एनालाइज योर सिर्फ कि आप किस लाइन में लाए कर रहे हैं अभी एंड देन आई थिंक इस सेशन के थ्रू जो आपको इस क्वेश्चन पर जो क्लैरिटी है आज वो मिल जाएगी और फिर ये जो परेशान होने वाला प्रोसेस है कि मैम होगा या नहीं होगा दैट विल ऑल्सो बी क्लारीफाइड ओके सो लेट्स दी सेशन माइ से रेखांशु सिंह आई है आर टी जैम एग्जाम क्लियर यू एम एस सी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड सी एस आई आर नेट थ्री टाइम्स गेट क्वालिफाइड एंड थ्री प्लस ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल इन सी एस आई आर नेट राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट आई वॉन्ट टू से इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन इज दैट वेयर इज अ विल देर इज अ वे जो काम आपको करना होता है उसके लिए आप कहीं ना कहीं रोड मैपिंग कर ही लेते हो और आप वहां तक पहुंच जाते हैं राइट सो सिमिलरली अगर आप चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है आपका इंटेंट एग्जाम को निकालने का और आपके जो एफर्ट्स हैं, वो उस डायरेक्शन में है जहां पर आपको जाना है सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रीच देयर नो वन कैन स्टॉप यू सो इस करेज के साथ पहले तो आप लोगों को अपने ये जो मंथ्स है जो रिमेनिंग टाइम है टिल दी एग्जाम उसे सिर्फ पास नहीं करना है कि वो टाइम तक बस कॉन्फिडेंट है उसे यूटिलाइज करना है राइट सो द स्ट्रैटेजी शुड बी देयर इन द माइंड विद द करेक्ट सेट ऑफ एफर्ट्स ओके तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी एक महीने में आप लोगों के पास होनी चाहिए दूसरा देखिए अगर मैं एक नॉर्मल जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आप लोगों के माइंड में कि मैम एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसकी जर्नी क्या होती है और हम अभी कहाँ पर हैं हम एक महीने में निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे देखिए तो सी एस आई या नेट का एग्जाम अगर मैं एक स्टूडेंट की जो थाट प्रोसेस उसकी साइकिल है जो एकदम बिगिनर है तो वो कहाँ से लाइक करती है कि वो पहले डिसीजन बनाता है एग्जाम के की दे, देना है नहीं देना है कहीं ना कहीं आप जब पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि मुझे नहीं आगे जाना है इसी फील्ड में आगे जाना है आई हैव टू पी एच डी और आई हैव टू डू सम गवर्नमेंट जॉब लाइक लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर मुझे ओ एन जी सी जाना है या फिर मुझे जो भी आपके जितने भी पी एस सी यूज हो गए या फिर आपको सो एन सो की मुझे उस केमिकल लेबोरेटरी में जाना है या फिर म, अ, मेरा ड्रीम है कि मैं अ, एक अच्छा साथ, रिसर्च साइंटिस्ट बनूँ राइट सो डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपने प्रोफेशन अब अपने फील्ड के बारे में सोचा तो सबसे पहले आप डिसीजन मेकिंग करते हो देन आप एग्जाम देखते हो एनालाइज करते हो कि अच्छा एक सी एस आई आर का एग्जाम देना होता है आपको पता लगता है कि अच्छा हमारे सीनियर्स ने हमारे जूनियर्स ने बताया था कि जूनियर्स uh, नॉट हमारे टीचर से सुना हमने सीनियर से सुना कि अच्छा एक एग्जाम अच्छा, होता है सी एस आई आर नेट अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको नेट uh, अगर आपने जे आर एफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको स्टाइपेंड मिलता है विद योर रिसर्च और आप प्रेस्टिजियस uh, इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पर अपनी पीएचडी आगे कर सकते हैं एंड दूसरा ऑप्शन आपको पता लगता है अच्छा लेक्चरशिप भी है जहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है किसी भी रिकग्नाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में राइट तो आपको दो एक डायमेंशन नजर आने लगते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप आ, प्राइवेट uh, सेक्टर में जा सकते हैं पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं राइट एग्जाम क्वालिफाई अगर आपने नेट की तैयारी की आप गेट क्वालिफाई कर सकते हैं सेम सिलेबस है पी एस यूज में जा सकते हैं तो देर इज अ डाइवर्जन आगे चलकर बट जो तैयारी है वो सेम ही है तो एग्जाम दोगे सिलेबस को एनालाइज करोगे फिर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कोर्स को लास्ट के तीन महीने में परचेज करते हैं और उनका एग्जाम तीन महीने में भी निकल जाता है क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं बी के और मास्टर्स के वो बहुत ही क्लियर होते हैं राइट तो ये डिपेंड करेगा आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की हुई है राइट और कितना प्रैक्टिस देखिए पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज और रिवीजन यही लास्ट की स्टेजेस हैं जो हर एक स्टूडेंट को करना है अगर आप छह महीने से भी करो तो भी आप एंड में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज और रिवीजन मॉक टेस्ट यही करने वाले हो एंड जो स्टूडेंट एकदम बिगिनर है अगर वो भी जाएगा तो एंड के डेज में वो भी यही सब चीजें कर रहा होगा राइट तो सबको जाना सेम पैटर्न से ही है अब देखिए डिपेंड्स ऑन यू यू इफ फील कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और जो आप पेपर को एनालाइज कीजिए देयर आर देर सेट थिंग्स जहां से आप देखते हो कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर ऑन एंड ऑफ अबाउट द एग्जाम कि यूजिंग दी सी एस आई या नेट एग्जाम एक तो आप जी आर एफ ले सकते हो और अदर एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करता है लाइक सेट एग्जाम एग्जाम गेट राइट तो देखिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ रफली की अगर एक स्टूडेंट है जो सिक्स मंथ से पढ़ रहा था तो वो स्टूडेंट्स उनके पास अब एक महीना ही है येस yes, अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे अगर आपका सिलेबस पूरा है अगर आप रिवाइज कर रहे हो और प्रैक्टिस रिवीजन इज नॉट कि आप नोटबुक खोलकर बैठ गए और पढ़े जा रहे हो रिवीजन थ्रू मॉक टेस्ट एंड पीवाई क्यूज तो दिन में आप जितने ज्यादा मैं कहूंगी कि तीन तीन पेपर आप लगाना शुरू कर दो अगर आपके पास फुल टाइम है अगर आप पूरे दिन में खाली है आप आराम से मॉक टेस्ट एंड पीवाई क्यूज लगाइए अगर आपको लगता है इतना टाइम नहीं है तो दिन का एक लगाइए ही लगाइए राइट प्रीवियस इेपर को आप सॉल्व कीजिए वहां से इस टाइम पर आपका सारा फोकस हो जाना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन पर क्योंकि जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाओगे आपको पता लगेगा कि कुछ 60 परसेंट सिलेबस तो ऐसा है कि वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं हम अगेन टहलेंगे अगर आप बोलो डिजिट मैच करके कि यहाँ पर 15 था यहाँ पर तो इस, पे, इस पेपर में भी 15 आएगा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है राइट क्वेश्चन के डिजिट्स मैच नहीं होते हैं क्वेश्चन का टाइप कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं राइट तो आप 60 परसेंट देखेंगे कि अगर आपने पास 15 ईयर के पेपर किए हैं तो आप यहां पर रिलेट कर पाएंगे इजीली कि 60 परसेंट तो मेरा हो गया बाकी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े अगर आप उससे वहां से बीस पंद्रह बीस परसेंट अपनी तरफ से लगा पाए तो अस्सी परसेंट पेपर आप इजीली कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल अटेंटिवली कि तब होगा जब आप बिल्कुल अटेंटिवली डेडिकेटेड होकर पेपर देंगे और वो कैसे बिल्ट हो जाएगा बिल्कुल आप एक महीने में निकाल सकते हैं अगर आप लोग अपने जो पीवाई क्यूज है मॉर्स है उन्हें अब डेली जितना ज्यादा जो प्रैक्टिस करके जाएगा ना एंड का खेल उसी का ही है ठीक है जिसने जितने ज्यादा पेपर लगाए होंगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की गई होगी उतने ज्यादा उसके मार्क्स आने वाले तो बिल्कुल एक डेढ़ महीना अगर आपके पास जो भी इस टाइम पर थॉट है ना वो सब छोड़ दो कि होगा नहीं होगा क्योंकि ये तो बात की बात है एग्जाम देने के बाद बहुत टाइम मिलेगा ये सब चीजें सोचने के लिए जब सोच लेना कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये टाइम आपका परफॉर्म करने का है राइट सो so आपको अंडर प्रेशर जाकर अपनी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करना है दैट्स अपॉन यू प्रेशर को फील ना करते हुए बस कि एक स्टेप और एक स्टेप और बस एफर्ट करते जाने दैट्स आल्सो अपॉन यू तो यू हैव टू चूज वेदर यू वांट टू बी इन टाइप ए और टाइप बी तो अगर टाइप बी में जाना है सो डेफिनेटली यू पीपल कैन डू बट आपको वहां पर एक चीज करनी है दैट इज डेली पेपर सॉल्व कीजिए जितना भी हो रहा है नहीं हो रहा सीधी सोल्यूशन आपको हमारी एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सेल्यूशन पास ये पेपर के उन्हें सॉल्व कीजिए देखिए मेरे से कितना हो रहा है और बस क्वेश्चन को सीखते जाइए डीमोटिवेट डिमोटिवेट होने का टाइम ही नहीं आप लोगों के पास कि नहीं हो रहा है बस कैसे होगा कंसेप्ट देखिए क्वेश्चन कीजिए कंसेप्ट देखिए क्वेश्चन कीजिए और जब आप पांच पेपर कर लोगे ना ऐसे उसके बाद अगले पांच पेपर आपसे खुद ही जो जितने भी बचेंगे पास्ट पांच ईयर पेपर के आप करिए पहले ऐसे दस ईयर के फिर आपसे खुद ही सॉल्व होने लगेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा ऐसा होता है तो इस तरह से करना होता है इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है अच्छा ये वर्ड यूज कर रहा है तो इस चीज के बारे में रिलेट करना चाह रहे हैं एग्जामिनर सो दिस इज हाउ इट कोज ओके तो बिल्कुल क्वालिफाई हो सकता है अगर अब आपका इंटेंट आपके एफर्ट्स करेक्ट डायरेक्शन में है तो राइट सो ऑल्सो यूट्यूब पर आपको हमारे फ्री सेशन मिल जाएंगे जो अगेन आपको क्वेश्चन में हेल्प करने वाले हैं ऑल्सो ऑन देशन वी हैव फ्री लाइव क्लासेस जहां पर आपका अगेन रिविजन बैच ऑन गोइंग है तो जितने भी क्योंकि देखिए इस टाइम पे क्वेश्चन आर गोइंग टू प्ले मेजर रोल तो इसीलिए यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी वी आर डूइंग डूंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जितने भी आप क्वेश्चंस हैं हमारे साथ ऑन दी एप्लीकेशन जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं पांच या पेपर्स के आप करते जाइए एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू दी मैक्सिमम बेनिफिट राइट सो दैट इज इट फॉर दी सेशन आई होप आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी अब इस टॉपिक पर एंड अब किसी का डाउट नहीं बचेगा राइट सो सेल्फ सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे एंड होप आप लोगों को इससे कॉन्फिडेंस आया होगा एंड सी कॉन्फिडेंस क्या दिस इज द रियलिटी दैट आई हैव टोल्ड यू राइट कि मैंने इसमें कुछ भी आपको शुगर कोट करके ऐसा नहीं बोला है कि नहीं ये बिल्कुल आ, आपका एग्जाम ही नहीं होगा या फिर कि अगर आप आ, कर नहीं सकते हो आप बिल्कुल कर सकते हो बट इफ देर अल देर तो विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और क्या करना है देट ऑल्सो आईव टोल्ड यू बट अगर आप पढ़ोगे नहीं कि पूरा एक महीना परेशानी रहे होगा नहीं होगा बस यही एंड तक पूछते रहो अगर एफर्ट्स नहीं दिए फिर देन आई कैन नॉट हेल्प यू राइट इफ यू वांट टू तो सी दी डायरेक्शन आई कैन शो यू दी डायरेक्शन आई कैन पुल यू टूवर्ड्स तो दी डायरेक्शन की इधर चलना है इस तरह से करना है बट अगर आप करोगे ही नहीं फॉलो नहीं करोगे देन देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू ओके सो डू इट दिस इज द टाइम अच्छे से डेली प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने लग जाइए दिस इज द हाई टाइम आई से एंड दैट इज इट फॉर दी सेशन थैंक यू ऑल ऑल दी लाक विशिंग यू वेरी बेस्ट आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट वी एक्सपर्ट्स आर देयर विद यू सो माई सेफांशु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे बाय टेक केयर हैव अ गुड डे